502 FIR हो चुका है नुपुर शर्मा के पर। हालांकि टाइम्स नाउ तो एपोलॉजी भी दिया है, ट्विटर में ऑलरेडी एपोलॉजी भी किया है, लेकिन नुपुर शर्मा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई एपोलॉजी आया नहीं है। लेकिन अब एपोलॉजी आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत देर हो चुका है और हम लोग जो है कि कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका एक तो अंत तो हम देखेंगे। कि बड़ा अफसोस लगता है कि आज जिस तरह से भुखमरी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोज़गारी है, इस मेन अहम मुद्दा पे बातें ना करते हुए हम बात कर रहे हैं कि भाई एक फुवारा का नीचे किस तरह से शिवलिंग को मिल गया, किस तरह से एक मस्जिद को मंदिर का तरफ से चेंज कर दिया जाए, किस तरह से अदालतों में जाकर हर मस्जिद का ऊपर में डिस्प्यूट खड़ा कर दिया जाए। तो ये मुद्दा क्या हिंदुस्तान का ये मुद्दा है? आज 400, 500, 600 साल पहले क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था, उसको लाकर आप आज के डेट के मुसलमानों को आप डराओगे, धमकाओगे और उसको जिम्मेदार ठहराओगे? ये कहीं का एक सिविलाइज कम्युनिटी का या हिंदुस्तान का समाज को कहीं पे शोभा नहीं देता है। 2014 के बाद देश में जो हालात है 8 सालों में, ये सब जान सकते हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। और भारत के जो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी या फिर सबसे बड़ी माइनॉरिटी जिसे आप कह सकते हैं मुस्लिम के क्या हालत है, वो अगर आप 2007-08 का सच्चर कमेटी या फिर डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को आप देखिएगा तो समझ में आता है कि भारत के माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के क्या हालत है। जो हालात है, जिस तरह से तमाम चीज़ों पर दावा ठोका जा रहा है कि ये चीज़ हमारा है, और जो हालात है, जो असमंजस का समय है, इस पर आज भारत की मशहूर तंजीम है जमीयतुल उलमा हिंद, उसके जो रूह रवा है मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने अपने आज दिल की बात की है, उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए। आखिर क्या कारण है कि मौलाना महमूद मदनी जैसे शख्स को ये कहना पड़ा कि भारत के मुसलमान वाकई में डरे हुए हैं? क्योंकि देश की जो हालात है वो दिन ब दिन बद से बदतरीन होते जा रही है। इस विषय पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे सामने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता और नेशनल टीवी पर जो अपनी बेबाक बातों को रखते हैं कमरू जमा चौधरी साहब, जिन्हें कमरू चौधरी भी हम कहते हैं, कमरू चौधरी साहब हमारे सामने और उनसे हम बात करेंगे। कमरू साहब, आपका हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया के इस स्पेशल शो में स्वागत है। ये बताएं कि वाकई क्या देश का या भारत का मुसलमान डरा हुआ है? देखिए, डरा हुआ तो है, 20 करोड़ जनता जो है आज एक आदर्श हिंदुस्तान में रहने के लिए जो है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुसलमान इंडिया में है बाई चॉइस, नॉट बाई बर्थ और नॉट बाई चांस। लेकिन आज जिस तरह से लास्ट 8 सालों में जिस तरह से मुसलमानों को डराया गया, धमकाया गया या जिस तरह से उनका ऊपर आक्रमण किया गया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमान डरे हुए हैं, इसमें तो कोई शक है भी नहीं। तो ये जो बार बार ये जो अभी जो लॉज बन रहे हैं, एक इसी से रिलेटेड जो सवाल है, जो डरा हुआ है इसके थोड़ा सा हम लोग बैक इसका पसे मंजर में जाते हैं, इसके जो हालात है क्यों डरा हुआ है। जिस तरह से मुस्लिम जो धरोहर है, मुस्लिम मोनूमेंट्स, मस्जिद है, इस पर जो आए दिन जो दावे पे दावे ठोके जा रहे हैं कि ये हमारा था, क्या इन सब बातों से या और भी कई कारण है? देखिए, ये तो कारण तो शुरू से काफ़ी एक प्लानिंग का तहत इस सिचुएशन आज जो सिचुएशन में आया है वो सिचुएशन में लाया गया। क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए डायलॉग हरामजादा रामजादा हरामजादा 80-20 का पॉलिटिक्स या शमशान कब्रस्तान या हिजाब इशू या अजान हनुमान चालीसा वाला इशू, ये सारा मुद्दे को लाया गया एक सिर्फ एक सोची समझी साजिश के तहत कि किस तरह से मुसलमान कम्युनिटी इंडिया में सेकंड क्लास सिटीज़न का तरफ को इनको रखा जाए, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों से वंचित किया जाए। वरना आज औरंगज़ेब ने 350-400 साल पहले क्या किया था, उसके लिए क्या हिंदुस्तान में आज के डेट में मुसलमान क्या जिम्मेदार किसी तरह से है? आप एक भी मुसलमान बता दीजिए हिंदुस्तान में जिसने अपना बेटा को रखा होगा औरंगज़ेब का नाम से, कोई ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमको आज 22वीं सदी में हमको बोला जाता है कि आप लोग औरंगज़ेब का औलाद हो, बाबर के औलाद हो, तो ये कहाँ पे इंसाफ कहाँ से मिलेगा आपको? जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारा ऊपर में UAPA कानून लगा दिया जाता है, सेडिशन कानून लगा दिया जाता है, या फिर हमारा घरों में बुलडोज़र से तोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पे देखिए, मुसलमान समाज आज जिस तरह से डरे हुए है उसी तरह से मेजोरिटी कम्युनिटी भी साइलेंट हो गया है।
ये सबसे बड़ा डर इस बात का है, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी रिवॉल्यूशन को लाया गया इंडिया में तो सिर्फ एक साइलेंट मेजोरिटी से नहीं आया, ये आया लेकिन सब बोलने वाला लोगों से। आज मुसलमानों के लिए बोलेगा कौन? मुसलमान कम्युनिटी तो आवाज़ उठा रहे, महमूद मेदनी साहब ने जो आज आवाज़ उठाया वो भी काफ़ी लेट कर दिया मेरा हिसाब से, उनको बोलना चाहिए था काफ़ी दिन पहले, लेकिन वो बोले नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, क्योंकि आज जमीयत उलेमा हिंद इंडिया में मुसलमानों का एक बहुत इज्जतदार एक संस्था है, और जिसमें मदनी साहब जिस तरह से आज बयानबाजी किए हैं, अगर सरकार का अब भी आंखें नहीं खुला तो इस तरह से कोई ना कोई जो है कि इखलाक फिर से होगा, कोई ना कोई एक तबरास अंसारी का हत्यारा जो है उनको जो है कि जेल से निकलने के बाद में उनको माला दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, या तो फिर कोई ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे असम में जैसा किया इन्होंने मदरसों को बंद कर दिया गया, या तो फिर हमारा खाने पीने पे पाबंदी लगा दिया गया, या जहाँ पे आपका देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानते लोगों को, या तो फिर देश का गृह मंत्री बोलते हैं कि ये तो दिमक के जैसा चाट रहे इंडिया को, हिंदुस्तान को। सवाल काफ़ी है लेकिन जवाब आज तक एक भी नहीं मिल रहा है। अशफाक भाई, एक सीधा सा बात ये है कि बड़ा अफसोस लगता है कि आज जिस तरह से भुखमरी है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बेरोज़गारी है, इस मेन अहम मुद्दा पे बातें ना करते हुए हम बात कर रहे हैं कि भाई एक फुवारा का नीचे किस तरह से शिवलिंग को मिल गया, किस तरह से एक मस्जिद को मंदिर का तरफ से चेंज कर दिया जाए, किस तरह से अदालतों में जाकर हर मस्जिद का ऊपर में डिस्प्यूट खड़ा कर दिया जाए, तो ये मुद्दा क्या हिंदुस्तान का ये मुद्दा है? आज 400, 500, 600 साल पहले क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था, उसको लाकर आप आज के डेट के मुसलमानों को आप डराओगे, धमकाओगे और उसको ज़िम्मेदार ठहराओगे, ये कहीं का एक सिविलाइज कम्युनिटी का या हिंदुस्तान का समाज को कहीं पे शोभा नहीं देता है। दूसरी बात ये है, देखिए जब हम बात करते हैं 1947 के बाद से, तो सिविलाइजेशन जो हमको 47 ब्रिटिश छोड़ने के बाद में मिला वो था एक इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन वो इंडियन सिविलाइजेशन को आज सावरकर के औलाद जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये मानते नहीं है। इनका कहना है कि नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन होता नहीं है, कुछ भी होता है तो हिंदू सिविलाइजेशन होता है। तो एक हिंदू सिविलाइजेशन को ये एक जन्म देना चाह रहे, और उस हिंदू सिविलाइजेशन में मुसलमानों का कोई जगह नहीं है, ना तो बौद्ध का कोई जगह है, ना जैन का कोई जगह है, ना क्रिश्चियंस का कोई जगह है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि आप हिंदुस्तान में रहोगे तो एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन का हिसाब से आपको रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाओगे तो आपका ऊपर सेडिशन का मामला, यूएपीए का मामला, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो आपका घर पे हम बुलडोज़र चढ़ा देंगे, या तो फिर आपको कोई ना कोई केस में फंसा कर शर्जिल इमाम का जैसा या उमर खालिद का जैसा आपको सालों साल तक आपको जेल के अंदर में बंद कर दिया जाएगा। यही मेन मुद्दा का बात है। कमरुजमा साहब, 2014-2022 आठ साल हो गया, आठ सालों में भारत का ये जो हालात हुआ है, क्या आपको लगता है भारत का हालात में कहीं ना कहीं बट्टा बैठाने में भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, या फिर मैं साफ लफ्ज़ में कहूँ कि गोदी मीडिया, उनका भी रोल है? क्या आप उनको मानते हैं जिम्मेदार? क्योंकि कई ऐसे मामला हम लोगों ने देखा, अभी हाल ही में आर्यन खान को एनसीबी से क्लीन चिट मिल गया, उनको जिस तरह से उनको उनके फादर से जोड़ के जिस तरह से उस लड़के को पोर्ट्रे किया जा रहा था लाइक ही इज़ ए टेररिस्ट, और भी बहुत सारे मामला, ताजमहल को तेजू महल आया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत ज़्यादा चलाया, बहुत से डिबेट में हम लोगों ने देखा, आप भी थे, कुतुब मीनार को भी इस तरह से, ये सब नॉन इश्यूज़ है, नॉन मेन जो इशू है भारत की, क्या लगता है उन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए ये जो एक मनगढ़ंत कहानी घड़ी जाती है और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर गोदी मीडिया उसको फैनिंग करती है, डू यू थिंक? या बिल्कुल, देखिए आज सुबह सुबह जैसे 8 बजे 9 बजे हुआ तो जितना भी मेजर चैनल्स है, जो नेशनल चैनल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उनका व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है आज का टॉपिक ये रहेगा, या फ्रॉम वेयर, आईटी से नहीं, आरएसएस का नागपुर शाखा से आता है या उनका फॉलोअर्स का वहाँ से आता है, ये तो हमको साफ तौर पर मालूम है, क्योंकि जब भी शाम का डिबेट्स के लिए, मैं तो एक चैनल में नहीं बैठता हूँ, 2-3 चैनल में हर रोज़ बैठता हूँ। देखिए मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन सीधा सा बात है, जहाँ पे अन्याय होता है, अत्याचार का बात होता है, तो वहाँ पे पार्टी मेरा पीछे रहता है, मेरे को वो अत्याचार कम्युनिटी का तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव रहता है, ये आप लोग को सबको मालूम है, क्योंकि मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ एज एन इंसान, जो इंसानियत पहले है मेरे लिए, हम उसी के लिए हक में बात करता हूँ।
तो जब मेरे पास में टॉपिक आता है, चाहे जी न्यूज़ से आ गया या टाइम्स नाउ से आ गया या और कोई चैनल से आता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये व्हाट्सअप का न्यूज़। आप देखिएगा, एक एक गोडी मीडिया का चैनल को आप सर्व करते हुए जाइएगा, शाम को 6-7 बजे से स्टार्ट होता है, 10-11 बजे चलता है, वही पर्टिकुलर टॉपिक पे हर चैनल बात कर रहा होगा। लेकिन मुद्दा वहाँ पे नहीं ख़त्म होता है। अगर मान लो ठीक है, कोई इशू आया देश में, कोई बयान दे दिया, या तो फिर कोई एक लिंचिंग हो गया, या तो फिर कोई इस तरह से जो जमीयत उलेमा हिंद का कोई एक ठो बयान आ गया, तो इसको लेकर आप बहस करो तो कॉन्स्ट्रक्टिव बहस करो, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन नहीं, वो इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि यही गलत है, यही जो है कि चाहते हैं कि देश में नफरत बांटने, नफरत फैलाने के लिए, और डिबेट को इस तरह से मोड़ दिया जाएगा कि लगेगा कि सारा गलती जो है कि इन लोगों का ही है। अब मान लीजिए केरला में जो PFI का रैली निकला, उसमें एक बच्चा ने अपना स्लोगन लगाया किसी का कंधा पर बैठ के, दरअसल वो गलत है, इसको तो कंडेम करना चाहिए, हम भी किए कंडेम उसको। लेकिन अब उसको लेकर पूरा मुस्लिम कम्युनिटी केरला में बदनाम है, टारगेट हो गया, क्योंकि फटाफट जो है कि ये गोडी मीडिया उसको स्टीरियोटाइप करके मुस्लिम कम्युनिटी को ले जाती है। आज जैसे परसों रोज को मैं एक डिबेट में था, टाइम्स नाउ का डिबेट है, नविका कुमार एंकर थी, मेरे को जाने का एकदम शौक नहीं है लेकिन चले गए थे उस दिन डिबेट में, उसमें तस्लीम रहमानी साहब भी थे, BJP के नुपुर शर्मा भी थी वहाँ पे, और RSS का एक रतन शारदा बोलकर था। तो हुआ ये कि जैसे ही शिवलिंग और फाउंटेन को लेकर डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, तो वहाँ पे विष्णु जैन था, विष्णु जैन जो वकील था हिंदू पक्ष का, हिंदू पक्ष में नहीं बोलूँगा, मंदिर पक्ष का बोलूँगा, तो उसमें मस्जिद साइड ने भी उसके काफ़ी बहस हो रहा था। तो उस बहस के दौरान हुआ ये कि मेरा जब बारी आया तो मैंने बोला, देखिए आज विष्णु जैन ने जो किया है, कोर्ट में जाकर बोला कि शिवलिंग या फाउंटेन, मतलब मैंने बोला एक ही वर्ड था कि एब्सर्ड स्टेटमेंट, मतलब वित्तहीन जो बात है, वो बोला है कि फाउंटेन को शिवलिंग का ऊपर में टेम्परिंग किया गया। तो जैसे मैंने बोला कि उसमें फाउंटेन, तो अब ये जो औरत जो है BJP की नुपुर शर्मा, वो जो है मेरा ऊपर में गर्म हो गई वहाँ पे, आप इसको फाउंटेन मत बोलो, इसको शिवलिंग बोलना होगा। मैं बोला कि भाई अभी तक तो फाउंटेन है और फाउंटेन रहेगा, आप अगर ज़बरदस्ती 10 झूठ को बोलोगे तो सच नहीं बन जाएगा, 10 बार एक झूठ को बोलो तो सच नहीं बन जाएगा। तो हम बोला कि आप अपना आस्था अपने पास रखिए, आस्था हमारा ऊपर में मत ठोकिए, जो भी फैसला आएगा सबको मानना होगा, क्योंकि संविधान में हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान जो फैसला करेगा उसमें सबको हम लोग को स्वीकार होगा, नहीं तो आपका शरिया से भी नहीं चलेगा। बेहुदा कमेंट स्टार्ट कर दी, जैसे वो कमेंट स्टार्ट की मैंने यहाँ से भी पलटा जवाब दिया, तो अचानक जैसे मैटर गर्म का तरफ हो रहा था, तो मेरा कान से मेरा जो है वॉइस बंद कर दिया गया, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, मैं चिल्लाता रहा, म्यूट कर दिया जाए, ना तो मैं कुछ सुन पा रहा था, ना कुछ बोलने से माइक में रिकॉर्ड हो रहा था। तो इमीडिएटली ये गोडी मीडिया का चाल रहता है हमेशा। अब उस साइड में तस्लीम रहमानी साहब थे, अब तस्लीम रहमानी साहब जो है कि काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी है और इस टाइप का लैंग्वेज में वो यूज टू भी नहीं है, तो वहाँ पे नुपुर शर्मा जो है कि एकदम गुस्ताखी का हद सीमा पार कर दी। वो जिस तरह से हमारा रसूल का खिलाफ़ जिस तरह से बात कर रही थी, जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ में बात कर रही थी, जिस तरह से कुरान शरीफ का बारे में बात कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा मैटर है जिस तरह से मेरा माइक को बंद कर दिया गया था, उस तरह से नुपुर शर्मा को म्यूट नहीं किया, बोलने दिया गया। और नविका कुमार जो कि एंकर थी उस टाइम, वो भी जो है कि एक टू इंटरफेयर नहीं की वहाँ पे कि भाई आप इस तरह से गलत बात नहीं बोल सकते हो, बल्कि उसने लास्ट में जब मेरा माइक का कान में आया, फिर वो बोल रही थी कि इसको आप ना तो शिवलिंग बोलिए ना तो फाउंटेन बोलिए इसको, क्योंकि ये विचाराधीन है कोर्ट में, ये बोलकर जो है कि शो को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने इमीडिएटली नविका कुमार को शो के बाद में फ़ोन किया, हम बोला कि इस कदर बेहुदा हरकत तुम लोग करते क्यों हो, आइंदा हमको मत बुलाया करो। चल नहीं सर ऐसा हुआ, हम बोला कि जिस तरह से वो इंसल्टिंग बात कर रही थी, बोला नहीं सर इंसल्टिंग तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने बोला कि इंसल्टिंग हुआ कि नहीं हुआ ये तो आप वीडियो रिप्ले करने से ही आपको मालूम चलेगा, जब तक हम इस टाइप का ऑफिशियल कंप्लेन हम लॉन्च करते तब तक आज कल सुबह ही ये अपना जो है ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर भाई वो जो है कि ट्वीट कर दे, वो जो पर्टिकुलर जहाँ पे नुपुर शर्मा जो है कि गुस्ताखी कर रही थी, बातें गंदा बातें बोल रही थी,
तो वो उसको ट्वीट करने का बाद में वो वायरल हो गया। होने का बाद में लगभग आज तक मेरा जो खबर है लगभग 500 टू FIR हो चुका है नूपुर शर्मा के पर। हालांकि टाइम्स नाउ तो अपोलॉजी भी दिया है, ट्विटर में ऑलरेडी अपोलॉजी भी किया है, लेकिन नूपुर शर्मा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई अपोलॉजी आया नहीं है। लेकिन अब अपोलॉजी आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत देर हो चुका है और हम लोग जो है कि कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका एक तो अंत तो हम देखेंगे ही, इतना तो हमने ठान लिया है। तो ये आपने सुना कमरुज़्ज़मान चौधरी से जो परसों का घटना बता रहे थे। दरअसल परसों ये टाइम्स नाउ के एक डिबेट में थे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, जिस पर बीजेपी की प्रवक्ता जो कि पेशे से वकील है नूपुर शर्मा, वकील का काम होता है कि भारत के आइन का, भारत के जो लॉ है उसको कैसे बनाए रखना है। भारत का लॉ ये कहता है कि किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरू नहीं करना है, किसी को भी मजहबी जज्बात को आहत नहीं करता। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे हमारे पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में हम कह नहीं सकते। बहरकैफ उनके खिलाफ़ पूरे देश भर में आवाज़ें उठ रही है, जगह जगह FIR हो रही है और इन्होंने भी इनकी ओर से भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है। कहने का मकसद ये है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ऐसे लोगों को अपने यहाँ बुलाता है जो एक सीरियल ऑफेंडर है, हेट मॉन्गर्स है, और उनका एक एक ही नैरेटिव होता है कि कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को और मजहब इस्लाम को उनको सेकंड क्लास का सिटीज़न बनाने में कोई भी समय नष्ट ना किया जाए। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल, न्यूज़ टैग इंडिया। कमरुज़्ज़मान साहब, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।